चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट, विच वन ऑफ द ग्राफ्स गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट। ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है इन चारों में से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। तो सबसे पहले इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन बनाता हूं। अगर मैं स्लोप का इक्वेशन लिखूं, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। यहां पर m कैसा है, m नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है, एंगल ऑब्ट्यूज है, इसलिए नेगेटिव होगा। अच्छा, और m n m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, v नॉट बाय x नॉट होगा। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो लिखूंगा v इज इक्वल टू एम निगेटिव होगा x प्लस c। इंटरसेप्शन कितना होगा, इंटरसेप्शन है c और ऊपर की तरफ है पॉजिटिव है, इंटरसेप्शन c पॉजिटिव है तो प्लस v नॉट होगा। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं क्या आएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस m dx बाई dt प्लस, ये तो कॉन्स्टेंट फिक्स वैल्यू है, जीरो हो जाएगा, करेक्ट है। ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन होगा, माइनस एम इंटू डी एक्स बाई डी टी वी के बराबर होता है। वी की वैल्यू क्या है, ये है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से इस जगह, ए इज इक्वल टू माइनस एम इंटू वी, और वी की वैल्यू क्या है, वी इज इक्वल टू है माइनस एम एक्स प्लस वी नॉट। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो ये हो जाएगा माइनस एम, माइनस एम एक्स प्लस वी नॉट क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वायर एक्स माइनस एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वी नॉट। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको कंपेयर करें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो एम कैसा है, पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और इंटरसेप्शन कैसा है, निगेटिव है, देखो इंटरसेप्शन निगेटिव है, तो इंटरसेप्शन निगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है, इसमें स्लोप कहीं पॉजिटिव है नहीं, ये ऑब्ट्यूज बना रहा है, ये भी अगर आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये ऑब्ट्यूज बनाएगा, ये एक्यूट बना रहा है, करेक्ट है, और इंटरसेप्शन नेगेटिव है, इसका इंटरसेप्शन नेगेटिव है, करेक्ट है। तो ये सही वो रिप्रेजेंटेशन है इस ग्राफ का, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।